हमारे बिहार का एक कल्चर है कि कहीं पे अगर शादी हो और उसमें भोजपुरी गाना ना बजे तो भैया वो शादी नहीं हो सकता। लेकिन कुछ सिंगर ऐसे भी है जो भोजपुरी इंडस्ट्री को काफी डार्क में ले जा रहे हैं। हम लोग फैमिली के साथ बैठकर भोजपुरी गाना नहीं सुन सकते क्योंकि रीजन ये है। ये समझ लो कि आजकल के जनरेशन पैसे कमाने के चक्कर में किस हद तक जा सकते हैं। ऑब्वियसली मुझे इस वीडियो के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ भोजपुरी कलाकार जो हर जगह जाकर मुंह फाड़ फाड़ कर ये बोलते हैं कि हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम कितना ऊंचा हो रहा है। जो लोग भोजपुरी को नीचा दिखाते हैं, भोजपुरी भाषा की बात कर रहा है, भोजपुरी ऐसी है, भोजपुरी ऐसे है, भोजपुरी ऐसी है, भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर मिसकंसेप्शन है तो क्यों? नहीं, ऐसा है नहीं। आपके भोजपुरी इंडस्ट्री को लोग नीचा दिखा रहे हैं या फिर बायकॉट कर रहे हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले आपके इंडस्ट्री के मेंबर ही आपके अश्लीलता पे सवाल उठा रहे हैं। सच कहूं तो मेरा परिवार तो नहीं देखता भोजपुरी सिनेमा। अभी क्या चल रहा है, अभी क्या हो जाएगा आपको पता नहीं। भौजी, चोली, खटिया, बम, ये गानों में जब तक रहेंगे तो दुर्दशा तो होती रहेगी। बोलने में शर्म आ रही, ढोड़ी मतलब तो रखता रिसर्च का विषय हो गया भोजपुरी सिनेमा के लिए और सिंगरों के लिए। जहाँ भी आए ढोड़ी, अरे तुम जो गाना गा रहे हो अपने घर में जरा डीजे बजा के सुनाओ ना। इनके जो मैं तो ये कह रहा हूँ, जितना गंदा गाते हैं ना गाना, उनके घर के सामने बड़ा सा डीजे बजा के उनकी माताओं को, बहनों को, उनके परिवार वालों। सबसे पहले अपने इंडस्ट्री को पैन इंडिया बनाने का मत सोचो, क्योंकि तुम लोग जो जहर उगलते हो ना उससे लोग खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकते, क्योंकि आजकल तुम लोग सभ्यता के नाम पे पिछवाड़ा से अगवाड़ा दिखा रहे हो। अरे आगे वाला में तो निघास बा, पीछे वाला साथ बा। इस गाने का क्या अर्थ है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस समाज में भोजपुरी इंडस्ट्री ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे इंडिया में रेप कांड जैसा माहौल बना हुआ है, सभी को ऐसा ही गाना प्रमोट करता है। हमर दोनों अमर रुद्ध होई सुधवा, हमर चोलिया में 5 किलो दूधवा। जो तुम कभी अपने से एक्सेप्ट नहीं किए हो वैसा गाना तुम्हारे सामने आ जाएगा। जो भोजपुरी इंडस्ट्री आज से करीबन 15 साल पहले अपना सभ्यता और भोजपुर के मिथिला के नाम से जाना जाता था, उसे अब कोई नहीं जानता। कितनी दुख के बाद कहना पड़ रहा है कि हम बिहारियों ने अलग अलग देशों में जाकर अपना झंडा गाड़ चुके हैं, लेकिन हम अपने बिहार में ही पीछे हो गए हैं। हम बिहारी है फिर भी हम अपने फैमिली के सामने अपना भोजपुरी गाना नहीं सुन सकते। जैसे अदर स्टेट अपने गानों का प्रमोट करता है, लेकिन हम अपने गानों को खुलकर सुन भी नहीं सकते। क्या रीजन है कि अदर इंडस्ट्री करोड़ों कमा रहा है, लेकिन हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री करोड़ को छू भी नहीं पा रहा है। लेकिन कुछ भोजपुरी कलाकार ऐसे भी है जो हजार करोड़ों कमाने का सपने तक देख रहे हैं। साउथ की 8 करोड़ की आबादी वाले लोग आज 2000 करोड़ कमा रहे हैं, तो ऐसा समय जरूर आएगा भैया कि हमारा भोजपुरी भी 2000 करोड़ कमाए। किस पर भाई आपको पब्लिक 1000 करोड़ों का रेवेन्यू देगा? ये जो आप अश्लीलता दिखाते हो उस पे, या फिर आप कॉपी करके गाते हो उस पे? देखा है पहली बार साजन की आँखों में प्यार। ट्यून चेंज है मामा। देखा है पहली बार जी। इतना बड़ा हो कुछ नया तो ट्राई करो, कम से कम ढोरी चोरी से तो निकलो, या फिर भौजी के साया साड़ी में ही रह जाओगे। हमें आपकी रिप्लाई का इंतजार रहेगा, इसलिए हमने वीडियो का कमेंट बॉक्स भी खोल रखा है। अपनी राय जरूर कमेंट करें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home.